हेलो दोस्तों, क्वेश्चन बैंक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। शिक्षक नियोजन का रोस्टर नहीं हुआ तैयार, आवेदकों से लिए जा रहे हैं आवेदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 18 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब तक रोस्टर का कोई अता पता नहीं है, लेकिन आवेदन लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये मुश्किल आ रही है कि जहाँ जब अभ्यर्थी को पता ही नहीं होगा कि रिक्तियाँ कहाँ पे कितनी हैं, तो आवेदन करे तो करे कैसे। और ये जो हाल है दोस्तों, सभी जिलाओं का यही हाल है लगभग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लगभग 19 दिन बीत जाने के बाद अभी तक शिक्षक नियोजन को लेकर रोस्टर तैयार नहीं हो सका है। इसके बावजूद 18 सितंबर से जिले में प्राथमिक और माध्यमिक मध्य विद्यालयों में होने वाले शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व में जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार नियोजन इकाई और पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। नियम के अनुसार 9 सितंबर तक हिंद जिले का स्तर से रोस्टर तैयार, उसका अनुमोदन और प्रशिक्षण करना जरूरी था। अभ्यर्थियों ने सोमवार को डीईओ से मिलकर रोस्टर नहीं प्रकाशित करने का विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने कहा कि बिना रोस्टर जारी किए शिक्षक नियोजन को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। डीओ स्थापना अरंजन कुमार ने बताया कि आज शाम तक रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। रोस्टर पर अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। यह रोस्टर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए जारी होगा। डीईओ मनोज कुमार ने विभाग के नियमानुसार पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुमोदन मिलते ही रोस्टर से सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे देखते हैं। 2012 की बची हुई रिक्तियों के आधार पर ली जा रही है बहाली। अभ्यर्थी मनीष कुमार, अभिनव कुमार और यशवंत कुमार ने कहा, 2012 की बची हुई रिक्तियों के आधार पर शिक्षक नियोजन के लिए रिक्तियों का प्रकाशन किया गया, जिसके कारण मात्र 3217 पद के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार के द्वारा 1 लाख शिक्षक बहाली का दावा खोखला दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादातर अभ्यर्थी का नियोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सही कह जा रही है दोस्तों। अभ्यर्थियों द्वारा जो सरकार बिहार सरकार ने कहा था कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है, और वो दावा खोखला दिखता पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी भी जानते होंगे कि जो बिहार जिले से अलग अलग जिलों से जो भी रिक्तियाँ आ रही हैं वो बहुत ही कम आ रही हैं, और अब तक आई भी हैं उनका रोस्टर तैयार नहीं किया जा सका है। तो इसमें विलम्ब हो रहा है आवेदन करने में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी नहीं होने से। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों ने नियोजन से संबंधित फॉर्म भरने की काफ़ी दिक्कत हो रही है। डीईओ कार्यालय में प्रतिदिन अभ्यर्थियों का जमावड़ा लग रहा है। अभ्यर्थियों को शिकायत है कि बाजार में जो फॉर्म मिल रहे हैं उस पर नियोजन काउंटर पर फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ना तो नोट पर फॉर्म उपलब्ध कराया गया और ना ही कोई निर्देश जारी किया गया है। तो ये यहाँ पे भी दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा तब तक नेट पे भी फॉर्म का कोई अता पता नहीं है, और बाजार में जो फॉर्म मिल रहा है उसी पे फॉर्म लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ से काउंटर से उन्हें लौटा दिया जा रहा है, जिससे कि अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक नज़र यहाँ देख लेते हैं। CTET पास को दिए जाएंगे 5% आरक्षण का लाभ, 60% अंक जरूरी। तो जैसा कि आपने देखा ना दोस्तों, जो सेंट्रल टीचर एवेलेबिलिटी टेस्ट होता है CTET,
को 5% अंक दिए जाएंगे, जिसमें कि उसको 60% अंक होना जरूरी है, तभी उसको 5% 5% का आरक्षण मिलेगा। एक नज़र यहाँ पे सीटों पे भी देख लेते हैं। अभ्यर्थी 3217 पदों के लिए करेंगे आवेदन। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 पद के लिए हो गए 2075। उर्दू के लिए जो आवेदन रिक्तियाँ हैं वो 497। मध्य विद्यालय के लिए जो 6ठी से 8ठी के लिए आप देख सकते हैं, हिंदी में 200, गणित 128, संस्कृत 133, अंग्रेजी 78, सामाजिक विज्ञान 70, उर्दू 36। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये थी कुछ बिहार शिक्षक बहाली से अपडेट, और ये जो न्यूज़ थी बिहार शरीफ से थी। यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है दोस्तों आवेदन करने में, क्योंकि ना तो अब तक रोस्टर का पता है, ना ही फॉर्म का पता है कि कौन फॉर्म अभी सही है, क्योंकि बाजार में ये फॉर्म कई तरह के मिल रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है आवेदन करने में। दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स बिहार बहाली से, शिक्षक बहाली से। अगर आपको इसी तरह की अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए अंत तक।